अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई जैसे कि आपको पता है, कराची के अंदर सर्दी का मौसम आ गया है, तो इंसान की जो दौड़ होती है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों पे होती है सर्दियों के अंदर। एक होती है ड्राई फ्रूट्स पे, दूसरी होती है फिश। तो आज आपका भाई आपको लेके आया है फिश के ऊपर। ये फिश कार्ड लगा हुआ है बंसोड के ऊपर, काफ़ी जायकेदार फिश होती है, काफ़ी तारीफ सुनी है। तो हमने बोला क्यों नहीं हम भी ट्राई करें और आपको भी उसका टेस्ट बताएं। तो चलते इनसे बात भी करते हैं, इनके ऑनर से, और पूछते हैं इनके पास कौन कौन सी फिश है। तो चले हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं भाई, ये फिश फ्राई हो रही है। ये ओए ओए ओए, ये देखिए आप, क्या बात है। ये देखिए, ये देखिए आप फिश देखिए आप, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जरा बताएं अपने, आपके पास कौन कौन सी फिश है? सर हमारे पास है ये बेसन वाली फिश है, सिंगारा का फिंगर आता है, सही बेसन वाली है। ये बगैर बेसन वाली है। अच्छा। ये बेसन वाली 300 रुपए पाव है, बगैर बेसन वाली 350 रुपए पाव। और ये यहाँ पे सिंगल कांटे वाली मछली, सिंगल कंगी होती है। सोना पापलेट है, दंदिया है, दहिया है, गिसर है, कुंद है, 400 रुपए पाव। इसमें से कोई सी भी पसंद करेंगे 400 रुपए पाव है। अच्छा जी, तो ये मतलब आपकी टाइमिंग क्या है? हमारी शाम को 5 बजे खोलते हैं, सुबह के 4 बजे तक। सुबह से 4 बजे तक होते हैं? जी जी। जबरदस्त, चले देखते हैं आपकी, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी है। किस नाम से है ये? ये बाबू फिश फ्राई है, बाबू फिश फ्राई के नाम से। ये इनकी चटनी होती है जिससे फिश के अंदर बड़ा जायका आता है। ये देखेंगे ये किस चीज की होती है चटनी यार? धनिया पुदीने की, हरी मिर्च। क्या बात है भाई, ये देखेंगे, ये जब मछली के साथ डिप करके खाते हैं तो बड़ा मजा आता है। और ये इसका चाट मसाला है। ये थैलियों की पैकिंग शुरू हो गई है इनके पास, और जैसे जैसे कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे और ये इसके साथ आपको देना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक बात बताएं, ये जो आप तलते हैं ये बेसन के अंदर ही होती है सारी चीजें? अलग अलग होती है। अच्छा, बेसन वाली अलग बनाते हैं फिश, और बाकी बगैर बेसन वाली अलग होती है, और सिंगल कांटे वाली जो मछली होती है वो अलग होती है। अच्छा, तीनों आइटम अलग अलग होते हैं। तो इसको कितना टाइम लगता है फ्राई में? फ्राई में 5 मिनट लगते हैं जाने के बाद। 5 मिनट कढ़ाई में डालने, बेसन वेसन लगाने में? जी, बेसन तो पहले से लगा होता है, हाफ फ्राई करके रखते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर देता है एक पाव आधा किलो का, फिर डाल देते हैं, फिर 2 मिनट में हो जाता है। जी। अच्छा, इसकी लोकेशन में बता देता हूँ, बंसोड पे किस जगह पे है ये? सुपर शाइन शनवारी है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देखेंगे ये मशहूर बाबू फिश फ्राई है। तो आप यहाँ पे आए और फिश को जरूर ट्राई करें, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये आ गई है हमारी फिश, इसको हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं ये सिंगारा ये कैसी है। ये देखिए हम, यार फिश तो बहुत जबरदस्त है। अब ये कुन है, कुन भी चेक करते हैं ये कैसी है। यार बेहतरीन कुन है। ये एक और है 30, इसको भी टेस्ट करते हैं। ये दूसरी मछली का है, इसका नाम मुझे ये आदमी कौन सा है। अच्छा, सर्दियों के अंदर ना मछली खाने का मजा ही अलग होता है। और आप जैसे ये जानते हैं कराची के अंदर सर्दियां आती ही बहुत कम है, और जब आती है इन महीनों के अंदर तो मछलियों पे ज़्यादा रुझान हो जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए ये बंसोड में बाबू फिश फ्राई, बहुत मशहूर है यहाँ पे चलने वाला, और हमने इसका जायका भी टेस्ट करा, बेहतरीन जायका है। तो आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर, ट्राई करें, बड़ा बेस्ट फिश है इनकी और साफ़ सुथरा बना रहे हैं ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुनासिब रेट है, ज़्यादा रेट भी ज़्यादा नहीं है। कोई मैं आपको बताया, मैंने प्राइस इनसे बात करी है, तो सारी प्राइस उसके अंदर मैंने आपको दिखाई है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।